ये है स्किपिंग रोप। दुनिया के टॉप हाई कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइजेस में स्किपिंग नंबर एक है। 1000 स्किपिंग अगर सही स्पीड से की जाए तो लगभग 150 कैलोरी बर्न होती है। 3500 कैलोरीज बर्न होने पे 1 पाउंड वजन कम होता है। वहीं 7700 कैलोरीज बर्न होने पे 1 kg वजन कम होता है। उस हिसाब से 7700 कैलोरीज बर्न करने के लिए 5000 स्किपिंग करनी पड़ेगी। अब चाहे तो एक दिन में करें या एक महीने में, लेकिन स्किपिंग आसान नहीं। स्किपिंग स्टार्ट करते ही आइसक्रीम जैसी मुलायम कमर लचक सकती है, या फिर इतने सालों से जवाहरलाल नेहरू जैसी अय्याशी से और एंकल्स में आर्थराइटिस जैसा दर्द भी हो सकता है। स्किपिंग बेसिकली प्रॉब्लम्स का खजाना है। यदि आप स्किपिंग करेंगे तो 3 टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहले तो आपको स्किपिंग नहीं आती, दूसरी ये कि आपको स्किपिंग आती तो है बट मोटापे की वजह से आप ज्यादा स्किपिंग कर नहीं सकते, और तीसरी ये है कि आपके पास स्किपिंग रोप ही नहीं है। सॉल्यूशंस बहुत सिंपल है। यदि आपको स्किपिंग नहीं आती है तो सिंपली हाथ में लीजिए और जंपिंग कीजिए। स्किपिंग की एक्टिंग करनी है, आप क्या समझ रहे हैं? तो ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट मिल जाएंगे आपको स्किपिंग। यदि ज्यादा वजन की वजह से आप स्किपिंग नहीं कर पाते हैं, आपको 5 के सेट्स में काम करना होगा। लेट मी एक्सप्लेन। यदि आपको 100 स्किपिंग करनी है तो आप 5 स्किप करेंगे फिर रेस्ट करेंगे, 5 स्किप करेंगे फिर रेस्ट करेंगे, ऐसे कुल मिलाकर 20 बार 5 के सेट्स करेंगे और टोटली 100 स्किप्स कर सकते हैं वेरी इजिली विदाउट एनी पेन। और यदि इससे भी काम नहीं बन पा रहा है, आप स्किपिंग फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो स्किपिंग छोड़ के वॉकिंग स्टार्ट कर दीजिए। वॉकिंग कीजिए, इट्स वेरी इजिली, इट बर्न सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज बट यू नीड मोर टाइम, लेकिन झुकेगा नहीं साला। और यदि आपके पास स्किपिंग रोप नहीं है तो ले आइए ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि नहीं लाना चाहते हैं तो आप जंपिंग या जंपिंग जैक कर सकते हैं, सेम रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल भी सेम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्या मतलब सेम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे? ये वाला काटना। जो भी आप खाते हैं उसे कहीं पे रिकॉर्ड कर लीजिए या नोट कर लीजिए, वो बन जाएंगी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज। अब चाहे पाकिस्तान भारत में मिल क्यों ना जाए, आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा नहीं खाना है। और यदि आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा खाया तो जैसे पाकिस्तान में सरकार टिक नहीं पाती, वैसे आप अपने वेट लॉस पे नहीं टिक पाएंगे। याद रखिएगा, इक्विपमेंट्स गिनती में 3 होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं, मैं अमर अकबर एंथोनी की बात नहीं कर रहा हूँ। शूज विद गुड कुशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। यदि बिना शूज के आप स्किपिंग करते हैं तो अपने गार्डन में आप एक बहुत बड़ा मकबरा खुदवा सकते हैं अपने घुटनों के लिए, क्योंकि आपके घुटने तो बचेंगे नहीं ना। ताकि आपके घुटने लंबे समय तक चल सके, आप 1000-2000 रुपए तो खर्च कर सकते हैं ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस कर बे बेशरम। कौन बोला? फॉर लेडीज स्पोर्ट्स ब्रा इज अ मस्ट। इसके बिना करने से सैगी चेस्ट होने के 83% चांस हो जाते हैं, तो रिस्क क्यों लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसकी लिंक नहीं है, इसके लिए खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट है स्किपिंग रोप इटसेल्फ। कोई भी रस्सी जो आपकी हाइट से 3 फीट ज्यादा लंबी होगी उसे आप यूज कर सकते हैं एज अ स्किपिंग रोप। और यदि नहीं चाहिए तो स्किपिंग कितनी करनी चाहिए ये कम्प्लीटली 2 बातों पे डिपेंड करता है। पहला ये तो आपका वेट लॉस गोल कितना है, और दूसरा ये कि आप 1 मिनट में स्किपिंग कितनी कर पाते। बट उससे भी इम्पोर्टेंट ये है, आप लगातार एक बार में 100 स्किप्स के करीब कर पाते हैं या नहीं। और यदि नहीं तो आपको डरने की जरूरत है। इस वाली बात में आपको डरने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि एटलीस्ट 100 स्किप्स तक पहुंच सके उसकी कोशिश करनी होगी, और 100 स्किप्स पहुंचने के लिए आपको ढेर सारी मेहनत, हिम्मत और मैं लगूंगा। अब हम 3 कैटेगरी में आपको बांट सकते हैं जब आप 100 स्किप्स के करीब करीब कर पाएंगे। तो सबसे पहला है कैट ए, जो 1 मिनट के अंदर 100 से कम स्किप्स कर पाएगा, या फिर आप बन सकते हैं कैट बी, जो 1 मिनट में 100 और 120 स्किप्स के बीच बीच में कर सकता है, और या फिर आप हो सकते हैं वो महान लेजेंडरी कैट सी, जो 120 स्किप्स से भी ज्यादा कर सकता है। हम कैट सी वाले ही है ऑफ कोर्स। यदि हम कैलोरीज के टर्म्स में बात करें तो कैट ए 1 मिनट के अंदर 10 से 15 कैलोरी जला सकता है, कैट बी 12 से 17 कैलोरीज जला सकता है, बोलने दो कोई, और कैट सी 14 से 20 कैलोरीज। तो रोज कितनी स्किपिंग करनी है ये 100% इस बात पे ही डिपेंड करता है कि आपको कैलोरीज कितनी बर्न करनी है। सो सपोज यदि आपको 100 कैलोरीज बर्न करनी है तो कैट ए वाले को लगभग 7 से 10 मिनट स्किपिंग करनी पड़ेगी, कैट बी वाले को 6 से 8 मिनट स्किपिंग करनी पड़ेगी, और कैट सी वाले को 5 से 7 मिनट स्किपिंग करनी पड़ेगी। और ये डिपेंड करता है कि आपको 1 महीने में कितना वजन कम करना है। सपोज आपको 1 महीने में 1 किलो वजन कम करना है तो हर रोज आपको 250 कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी, और 250 कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी तो रोज आपको लगभग, यदि कैट ए है तो आपको 17 से 25 मिनट लगेंगे, कैट बी है तो 15 से 20 मिनट लगेंगे, और यदि कैट सी है तो 12 से 17 मिनट लगेंगे। यदि इन सारी कैलकुलेशंस को सुन के आपको भी काले पानी की सजा में जैसा दर्द होता है वैसा ही दर्द होने लगा है, इसको हम अब ओवर सिंप्लीफाई कर देंगे। 100 स्किप्स मतलब 15 कैलोरीज, 1000 स्किप्स मतलब 150 कैलोरीज। यदि आपको 1 kg कम करना है 1 महीने के अंदर तो आपको 1500 स्किपिंग करनी पड़ेगी,
पड़ेगी। यदि आपको 2 kg कम करना है तो 3000 स्किपिंग करनी पड़ेगी। तो सोचिए 5 kg कम करने के लिए यदि आपको रोज स्किपिंग करनी पड़े तो आपकी कितनी फट जाएगी। इतनी ज्यादा स्किपिंग यदि आपको हर रोज करनी हो तो सिर्फ एक ही टेक्निक काम आएगी और वो टेक्निक मैंने बताई है इस लेजेंडरी वीडियो में। मैं हूं अजीत सिंह चौहान और मैं आशा करता हूं कि आपकी लाइफ लेजेंडरी हो जाए। सी यू इन नेक्स्ट वन।